हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। दोस्तों आज आपके लिए मैं एक काफ़ी बढ़िया एसेसरीज़ की वीडियो लेकर आया हूँ, जो भी टैबलेट यूज़र है उनके लिए काफ़ी बढ़िया एसेसरीज़ लेकर आया हूँ, जिसकी मदद से आप अपने टैबलेट का यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। अब तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जैसे कि आपको मैं ये दिखा दूँ, ये है टैबलेट स्टैंड, जिसकी मदद से आप अपने टैबलेट को काफ़ी बढ़िया तरीके से इसको एडजस्ट कर कि आप अपने टैबलेट में कितना भी ज़्यादा टिल्ट दे सकते हैं। ये काफ़ी बढ़िया आपको गैजेट देखने को मिल जाता है। इसका रिव्यू अगर आप फुल देखना चाहें तो चैनल पर दे सकते हैं। ये आपको 179 रुपीज़ में देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप अपने टैबलेट को काफ़ी बढ़िया तरीके से होल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मूवीज़ देखनी है या फिर कुछ और काम करना है, तो इस टाइप से अगर आप अपने टैबलेट को होल्ड करके रखते हैं तो काफ़ी बढ़िया तरीके से वो कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं, और इसमें यूज़ करने में भी काफ़ी सिंपल हो जाता है। तो दोस्तों इस गैजेट को आप कंसीडर कर सकते हैं, 179 रुपीज़ की इसकी प्राइस है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम दूसरे गैजेट की तरफ, जो कि हर एक टैबलेट यूज़र के पास होना चाहिए, वो है इस टाइप से स्टाइलस। दोस्तों कुछ स्टाइलस आपको 200 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल जाते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें क्या होता है कि आप इस टाइप से आपको टिप देखने को मिलती है, ये अब आपको देखने को नहीं मिलता। ये जो मेरे हाथ में ये अमेजोन की तरफ से आता था, काफ़ी बढ़िया स्टाइलस था, लेकिन अब इसकी जगह दूसरी कंपनीज के आपको देखने को मिल जाएंगे। और एक और स्टाइलस आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपको 500 रुपीज़ की प्राइस में देखने को मिल जाता है। ये काफ़ी प्रीमियम स्टाइलस है, तो इसको मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। इस टाइप से आप इसकी मदद से अपनी टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं, और इससे भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको इन दोनों की टिप में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। ये काफ़ी आपको प्रीमियम देखने को मिल जाता है, इसकी फिनिशिंग बिल्ड क्वालिटी काफ़ी हैवी है और काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिल जाता है मेटल फिनिशिंग के साथ। तो आप चाहें तो अपने बजट के अनुसार दोनों में से कोई सा भी स्टाइलस चूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक मस्ट गैजेट है, जो कि आप एक गैजेट क्या बोल रहा हूँ, एक तरह से काफ़ी बड़ी आपको एसेसरीज देखने को मिल जाती है, जो कि आप हर एक टैबलेट यूज़र के पास होनी चाहिए। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली एसेसरी की तरफ, जो कि है एक स्पीकर। दोस्तों जब भी आप अपनी मूवी देखेंगे तो आपके लिए एक बढ़िया साउंड क्वालिटी भी मैटर करती है, तो आप चाहें तो इस टाइप से कोई स्पीकर खरीद सकते हैं। ये तो JBL का है, जो कि 1500 रुपये के आसपास देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का स्पीकर चाहते हैं तो 500 के प्राइस में आपको काफ़ी बढ़िया 5 वॉट का स्पीकर देखने को मिल जाएगा। उसका आउटपुट भी जो है वो इसी के बराबर होगा, तो आप चाहें तो खरीद सकते हैं। वुडन में एक स्पीकर है काफ़ी बढ़िया, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो जब आप अपने टैबलेट के साथ मूवी देखेंगे तो आपको एक अच्छी साउंड क्वालिटी भी चाहिए, जो कि आपको टैबलेट्स में यूजुअली देखने को नहीं मिलती, जो कि 30,000 से नीचे होती है या फिर 20,000 से नीचे आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप एक बेहतर एक्सपीरियंस चाहते हैं मूवी के साथ, तो डिस्प्ले के लिए तो आपका जो टैबलेट है काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करेगा, साथ में अगर आप एक स्पीकर हो उसके साथ ज्वाइन कर लेंगे तो काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको साउंड क्वालिटी भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये आपको 3 गैजेट जो हैं काफ़ी आपको यूज़फुल हो सकते हैं डेली लाइफ में अपने टैबलेट के यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए। दोस्तों बढ़ते हैं, जो कि एक और गैजेट आपके सभी के पास होना चाहिए, वो है एक OTG अडेप्टर। OTG अडेप्टर इस टाइप से आपको देखने को मिल जाता है, जो कि लोकल मार्केट में आपको 30-40 रुपये का कुछ देखने को मिल जाएगा। अमेजोन से खरीदेंगे तो आपको 100 रुपीज़ के आसपास पे करना पड़ जाएगा, और इसमें क्वालिटीज़ आती हैं, अलग अलग क्वालिटी के आपको देखने को मिल जाते हैं, एक इस टाइप से आते हैं। तो आप अपने जो भी आपका बजट हो, चाहे तो लोकल मार्केट से खरीद लीजिए, वरना अमेजोन से भी खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अच्छे जो भी OTG अडेप्टर आते हैं इनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं कि अपनी टैबलेट में फॉर एग्जाम्पल आपको कीबोर्ड कनेक्ट करना है या फिर माउस कनेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं करके दिखा देता हूं आपको, ये रहा आपका जो ब्लूटूथ डोंगल होता है, जिसकी मदद से आप अपना वाईफाई डोंगल भी बोलते हैं, वाईफाई भी आता है, ब्लूटूथ भी आता है, ये वाईफाई वाला है, जिसकी मदद से आप अपना माउस वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस टाइप से ये कनेक्ट हो जाता है, और आप अपने जो माउस या फिर कीबोर्ड को काफ़ी ईजी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास होना चाहिए, जिसकी मदद से आप अपना माउस कनेक्ट कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं काफ़ी ईजीली। कीबोर्ड दोस्तों दो तरह के आते हैं, एक कीबोर्ड जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टच पैड के साथ आता है, तो आप उसको खरीद सकते हैं, चैनल पर रिव्यू पड़ा हुआ है। अगर उनमें से जोन सा आपको अपने टैबलेट के लिए अच्छा लगे, चाहे तो नॉर्मल वाला खरीद लीजिए जिसको आप ऐसे OTG की मदद से कनेक्ट करेंगे, चाहे तो आप टच पैड वाला खरीद लीजिए जिसमें आपको कीबोर्ड भी साथ में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये एसेसरीज भी आपके पास होनी ही चाहिए।
अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अगली एसेसरी की तरफ, वो भी OTG से रिलेटेड है, जो कि है एक पेन ड्राइव, OTG वाली पेन ड्राइव, इसको हम ऐसे बोलते हैं OTG वाली पेन ड्राइव। इसकी मदद से क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको कोई भी डायरेक्टली OTG की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपको पहले इधर से आप OTG से कनेक्ट करें, इसको आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपका डाटा है इंपॉर्टेंट उसको आप बैकअप वगैरह ले सकते हैं। ये 128 GB की है, 64 GB की आपको ऑलमोस्ट 500 rupees की प्राइस में आपको देखने को मिल जाती है। ये 128 GB की अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे, इसमें आप बैकअप ले सकते हैं अपने फोटोज़ वगैरह का या कुछ भी इस टाइप से, जो भी आपको वीडियोज़ वगैरह स्टोर कर सकते हैं, मूवीज़ वगैरह जो भी आपको रखनी है, और ये डायरेक्टली प्लग इन हो जाती है। तो ये काफ़ी बढ़िया है, OTG जो पेन ड्राइव काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाती है। तो आप चाहें तो अपने लिए ये भी खरीद सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अब दोस्तों कुछ और दोस्तों एक लास्ट यूज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ OTG का, जिसकी मदद से आप काफ़ी बढ़िया तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, वो है एक एज ए पावर बैंक अपनी टैबलेट में। फॉर एग्जाम्पल आपका फ़ोन डाउन हो रहा है और उसको आपको चार्ज करना है, तो आप इसमें सिंपली OTG प्लग इन कीजिए और साथ में एक माइक्रो USB के साथ, मतलब जो भी आपका टाइप सी वाला केबल लीजिए, इस टाइप से आप कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसको कनेक्ट कीजिए, इसको अपने मोबाइल में कनेक्ट कर दीजिए, सिंपल आपका जो चार्जिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी काफ़ी बढ़िया यूज़ है अगर आपको इमरजेंसी में कभी अपना फ़ोन चार्ज करना पड़ता है या फिर आप टैबलेट के साथ अपना फ़ोन रखे हुए हैं और उसको भी आपको चार्ज करना है, तो आप इसकी मदद से भी चार्ज कर सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट एक गैजेट और है मेरे पास, लेकिन ये इतना ज़्यादा यूज़फुल साबित नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास जब मैंने इसको मंगाया तो ये वर्क नहीं कर रहा था, जिसकी मदद से आप अपना फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर पेन ड्राइव कनेक्ट करनी है, यहाँ पर अपना डोंगल कनेक्ट करना है, तो इस टाइप से आप यूज़ में ले सकते हैं। बट दोस्तों जैसे कि मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड किया, ये मेरा या तो पीस डिफेक्टिव है या फिर ये वर्क ही नहीं कर रहा है इस टैबलेट के साथ, तो मतलब ये इसको मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको खरीदिए, आपका मन हो तो खरीदिए, मे बी ये काम आपको काम करके दिखाया, ये काम नहीं करा उसके बाद, तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। बट ये इस टाइप से भी गैजेट आता है, मैं आपको बता दूँ आप घर पर भी बना सकते हैं, उसकी वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड की है, वो भी आप देख सकते हैं, अगर आपको ये ठीक लगे तो आप जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। वीडियो में मैंने आपको इतने सारे गैजेट दिखाए, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।